हेलो मैं रिटेल बन रहा हूँ शक्ति छत्तीसगढ़ शक्ति, छत्तीसगढ़ से कौन बोल रहे हैं रिटेल जी? रितेश जी बताइए, तारीख क्षमा बताइए, किसके बारे में जानना चाहते? 31 अक्टूबर 1987 12:50 दोपहर अच्छा, देखिए आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी कुंडली के अनुसार पिछले 8-1 महीने से काम धाम व्यापार को लेकर और धन को लेकर, संचित धन को लेकर स्थिति थोड़ा चिंताजनक बनी हुई है। आप परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सही है कि गलत? बिल्कुल कितनी ही भलाई क्यों ना करें, भलाई तो नहीं मिलती, बुराई भले मिल जाए, सही है कि गलत? कुंडली के अनुसार संघर्ष करते करते थक जाते हैं, लेकिन अच्छी सफलता नहीं मिलती, सही है कि गलत? कुंडली सही है, बताइए क्या जानना? बिल्कुल जी, मैंने तो यही जानकारी मैंने बहुत समय से अपने घर परिवार अपने व्यापार के प्रति सारी ईमानदारी से काम करता हूँ। आप 7-8 साल से कपड़े के व्यापार में देखो परिवार के डिसीजन को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आज के समय फिर से आज बहुत कर्म मेरे पेट के ऊपर हो गया। अब एक परिवार लगा हुआ तो मेरे को रास्ता चाहिए, क्या रास्ते हैं जी। क्या कर्ज हो गया? व्यापार को लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हैं, जहां से चलते हैं फिर वहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है? ये बताइए कि आपके जीवन में धन का बिखराव 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 हमेशा लगा रहता है, ऐसा होता है? किसी भी तरह की पूजन पाठ का कोई श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिल पाया जीवन में, कुंडली बताती है, ऐसा है क्या? अपने हिसाब से तो देखो मेरे को ऐसे कोई कर्म विधि विधान को नहीं आता, लेकिन भगवान के ऊपर आस्था पूरी है नहीं, सवाल ये नहीं है, आस्था होना एक अलग बात है, परंतु किसी उद्देश्य को लेकर, किसी संकल्प को लेकर मनुष्य अगर कोई पूजन करता है तो उसमें उसको परिणाम आना चाहिए, तो उसे परिणाम कहा जाता है। परिणाम नहीं आएगा तो उसे सत परिणाम कैसे कहें? जी ये हमारे पूछने का कुछ कारण, आपके ग्रह योग ऐसे पड़े हैं जी कि आप कोई पूजन तपस्या आराधना अनुष्ठान करिए तो भी उसमें आपको श्रेष्ठ सफलता नहीं मिलेगी, बाधाएं रहेंगी, ये हम पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? कभी अनुभव नहीं हुआ पंडित जी, ऐसा ना कभी सोचा भी नहीं है ना किया भी नहीं। जी अब किया नहीं है तो अनुभव क्या होगा, ये मान सकते हैं, जी ठीक है। अब आप एक काम करिए, एक छोटा सा माणिक रत्न धारण करिए और एक मोती रत्न धारण करिए तो ठीक है, क्योंकि अब आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए पिछले 6-8 महीने से समय जिम्मेदार है कि कुछ खराब समय चालू हुआ है, तो पिछले कुछ महीनों से आपकी पत्नी के पैरों में, घुटनों में कोई तकलीफ तो नहीं शुरू हुई है? अभी बोलती तो है पंडित जी, पैर में दर्द है, सिर में दर्द बिल्कुल सही है, और ये गलत है। नहीं हाँ बोलती, वो सही बोलती हैं, 2-1 साल में तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए आप एक मोती रत्न धारण करें और एक माणिक रत्न धारण करें।